अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शगुफ्ताज कुकिंग सेंट्रल। आज हम बनाएंगे दाल गोश और चावल बावर्ची स्टाइल में। ये बनाना बहुत ही इजी है। ये मैंने बीफ मटन का मैंने दाल गोश और चावल बनाई हूँ। चलिए आइए इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ ले लिया है बीफ का मटन। ये 1 किलो मटन है। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर वॉश कर लिया है। इसे रख देती हूँ मैं साइड में। यहाँ मैंने ले ली हूँ 3 मीडियम साइज की प्याज। इसे स्लाइस फॉर्म में कट कर लिया है। और यहाँ पर मैंने ले ली हूँ 4 टोमेटो मीडियम साइज के। इसे भी चॉप कर लिया है। यहाँ से ली हूँ मैंने 5 से 6 हरी मिर्च। और यहाँ मैंने ले ली हूँ कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ मैंने ले ली हूँ 3 से 4 तेज पत्ता, 1 चम्मच जीरा और 2 बड़ी इलायची, 8 से 10 काली मिरी, 3 से 4 मैंने हरी इलायची ले ली हूँ, 7 से 8 लौंग ले ली हूँ, 2 बड़े दालचीनी के टुकड़े और 1 जावित्री का फूल, 2 से 3 स्टार फूल ले ली हूँ मैं। यहाँ मैंने ले ली हूँ कुछ गरम मसाले, पाउडर मसाले। यहाँ मैंने 1 टीस्पून ले ली हूँ गरम मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। हल्दी का बहुत ही बड़ा रोल है इसमें दाल गोश में। और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले ली हूँ। 2 चम्मच मैंने ले ली हूँ घाटी मसाला, रूटीन का मेरा। आप चाहे तो इसकी जगह मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने 2 टीस्पून ले ली हूँ धनिया पाउडर। और यहाँ मैंने 1 चम्मच ले ली हूँ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। सबसे पहले यहाँ ले लेंगे 3 से 4 चम्मच बड़े ऑयल। यहाँ मैंने प्याज फ्राई कर ली थी 2 मीडियम साइज की, उसी का ऑयल बच गया है, उसी को रीयूज करेंगे हम। इसमें डाल देंगे सबसे पहले हम हमारे खड़े मसाले। अगर आपका चिकन का दाल गोश है तो आप डायरेक्ट इसे पतीले वगैरह में भी बना सकते हैं। ये मेरा बीफ का गोश है इसलिए मैंने यहाँ कुकर का इस्तेमाल किया हूँ। मेरे खड़े मसाले क्रैक हो चुके हैं। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन। प्याज हमारी यहाँ फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे टोमेटो और मिर्ची। इसमें ऐड कर देंगे हमारा गोश्त। प्याज हमने कच्ची पकी रखी है, टोमेटो भी कच्चे पके रखी है। टोमेटो अपना पानी छोड़ देगा। इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, पाउडर मसाले। इसे चला लेंगे एक बार ताकि हमारे सारे मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा, आधा गिलास के करीब पानी। इसे हम भी हमने लिड से कवर करके मीडियम फ्लेम, फास्ट फ्लेम पे 3 और मीडियम पे 2 सीटी ले लेनी है ताकि हमारा गोश अच्छी तरह से पक जाए। यहाँ मैंने ले ली हूँ तीन टाइप की दाल ले ली हूँ, तुवर, मूंग और मसूर की। मूंग की दाल से हमारी दालचीनी की जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। और मैंने चने की दाल का इस्तेमाल नहीं की हूँ क्योंकि कब्ज की शिकायत होती है उससे ज्यादातर, तो स्किप कर देती हूँ। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी इस दाल को हमने कुकर लगा लेना है पानी डालकर नमक और हल्दी के साथ सिर्फ। यहाँ हमारा गोश्त और दाल बॉईल हो रहा है जब तक हम अपने चावल को लेंगे बघार। यहाँ मैंने ले लिए हैं सारे गरम मसाले, दालचीनी, तेजपत्ता, हरी इलायची, काली मिर्च और बड़ी इलायची, लौंग, स्टार फूल, जीरा, शाहजीरा और दालचीनी। तो ये सारे मसाले हम डाल देंगे अपने ऑयल में। साथ ही में डाल देंगे हम 3 से 4 हरी मिर्च। यहाँ मैंने ले ली हूँ 3 प्याज स्लाइस की हुई। यहाँ मैंने पहले भी दाल गोश और चावल की रेसिपी अपलोड करी हूँ। महाराष्ट्र स्टाइल में मैंने दाल गोश बनाया था। ये मैं एकदम भटियारी स्टाइल में दाल गोश बना रही हूँ, मुंबई स्टाइल में। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। अभी हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैंने पानी का मिजान आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ। मेरे नए व्यूवर्स को मैं एक बार फिर से बता दूँ कि अगर आपका 1 पतीली पानी है तो आपने 1.5 पतीली आपका 1 पतीली चावल है तो आपने 1.5 पतीली पानी ऐड करना है। यहाँ मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दूंगी नमक। इसमें मैंने गाइस 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला था, मैं आपको दिखाना भूल गई, सॉरी। अभी इसमें बॉईल आने तक अभी हमने वेट करना है। बहुत ही अच्छी तरीके से गल चुका है, हमने इसे कुकर से बाहर निकाल दिया है 1 पतीले में। अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपना दूधी। हमने फ्लेम को फिर से ऑन कर दिया है। दूधिया को भी मैंने 1 सीटी ले ली थी ताकि हमारा काम आसानी से हो जाए। इसमें ऐड कर देंगे हम पुदीना और कोथमीर। गाइस आप मेरी दाल की कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितनी एक जैसी मैंने घोट ली है, बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई है। अभी हम इसमें सारी दाल अपनी ऐड कर देंगे।
इसमें डाल देंगे इमली का पल्प। अभी हमने इसमें फास्ट गैस पे एक बॉईल ले लेना है। ऐड कर दूंगी मैं तली हुई प्याज। आप गाइस तली हुई प्याज डालकर देखिए, बहुत ही माशाल्लाह बहुत ही लजीज बनता है। भटियारी लोग भी ऐसे ही करते हैं, बावर्ची जो बड़े बड़े शेफ रहते हैं। अभी इसे कर देंगे एक बार अच्छी तरह से मिक्स, और फ्लेम को कर दिया है मैंने हाई ताकि इसमें जल्दी से बॉईल आ सके। पानी में बॉईल आ चुका है, अभी हम इसमें ऐड कर देंगे अपने चावल। इसमें एक बॉईल आ चुका है, अभी हम इसे निकाल इसे उतार देंगे फ्लेम से, और इसमें एक दे देंगे बघार। इसमें लगा देंगे हम एक तड़का। हमने थोड़ा सा तड़के पैन में ऑयल ले लिया है, इसमें डाल देंगे कुछ कड़ी पत्ते, कश्मीरी मिर्च, इसे अच्छी तरह से कर देंगे मिक्स। आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितना अच्छा हमारा दाल गोश्त बनकर रेडी हो चुका है। हम इसमें डाल देंगे फूड कलर। हमारा दाल गोश्त और चावल रेडी हो चुका है। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए। जुम्मा हो या संडे हो, जरूर मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल पर एक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में अपनी दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।